कि वो संसार के प्रकार चले। बोल इन संसार के अंदर देखो अनेक समय पर अनेक अनेक मनु होवे, 14 मनवांतर होवे। एक मनवांतर के मैं स्वयं वो मनु बने और प्रिय व्रत और उत्तान पाद नाम का तो पुत्र होवे मांगे, और यम आदि 12 देवता होवे और मरीचि आदि ऋषि होवे, और दूसरे मनवांतर में स्वरुचित नाम का एक मनु बने और बांगे बाद में अग्नि आदि बांगा पुत्र होवे, और द्युम्न आदि बांगा रक्षक होवे, और तुषित नाम का देवता होवे, और भी बाद में क्या है तीसरे मनवांतर में प्रियव्रत का जो बेटा उत्तानपाद वे मनु बने, और चौथे मनवांतर के अंदर आंगा ही छोटा भाई उत्तम वे मनु बने। ये मनवांतर के अंदर भगवान गज और ग्रहण उबारने के लिए दौड़े चले आवे, गरुड़ छोड़ पैदल हो, गरुड़ छोड़ रूपी पैदल भगत के लिए दौड़े आवे। बोल कोई पशुओं के लिए भी भगवान आवे, मानव के लिए तो सारा सुनो पशु के लिए। बोला हाँ, अगर चिंतन पूर्व जन्म को विद्यमान हो तो आवे। बोले किन प्रकार भगवान आया तो बना सुनावे कि एक क्षीर सागर हो। देखो अपनी कथा है, ध्यान सुनियो सब। तो भगवान तो भक्ता की रक्षा करने के लिए कोई भी रूप धारण कर कभी भी आ सके। तो आज अपनी कथा है, थोड़ा ध्यान सुनियो। एक क्षीर सागर नाम को सागर है, एक हाथी रेवे त्रिकुट पर्वत के ऊपर ही, और क्षीर सागर के नजदीक नजदीक वो उन्हें पुनः घूमतो। विशाल सुंदर वन है, बिंग मैं पेड़ आदि ने तोड़तो वो घूमतो फिरतो रेवे, और केवे कि वो हाथी एक दिन घूमतो उन्हें पुनः भ्रमण करतो और पहुंच गए क्षीर सागर में, और बटे स्नान करे बड़ो प्रेम है। और वे अधनिया और दूसरा छोटा छोटा हाथी और सब भी को सहयोग करो। संत अपने बीच में आया है, संतान को स्वागत है, अभिनंदन है। बोली विष्णु भगवान की, बोली जगदीश्वर भगवान की। देखो क्योंकि भगवान अवतार लियो तो वो जी टाइम में हाथी जल के मैं स्नान करे हो, और जल में फेंका हो ऊपर और सबने स्नान करावे और आनंद जल क्रीड़ा करे हो, फिर टाइम में एक ग्रह आगे भी वो पैर पकड़ लिया और जल को जीवो खींचने लगे अंदर अंदर पूरा जोर खींचे वो गजेंद्र, जोर लगावे बाहर निकलने के लिए मगर बाहर नहीं निकल सके। हाथी अधनिया आदि सब बिंगे साथ में मिलर लगे मगर फिर भी बिना बाहर नहीं निकाल पावे। कई दिन तो बिना ला लागे खिलायो पिलायो पर फिर भी बाद में अंत में सब छोड़ चले जाए। देखो अपने हाथ भी आई है, बीमार हो जावा तो सारा घर का आगे पीछे दौड़ता रहे, घना दिन सेवा करे जब की नहीं होवे ठीक नहीं होवे जब 11 बोलनी शुरू कर दे, करे कि नहीं करे, और बू दे तो पेंडो छूट जावे। अरे इतना साल तारी सेवा करी सब भूल जावे, आज थोड़ा ही दिन की सेवा में था ओहो यही दुख पावे में यही दुख पावा एक छोड़ दे शरीर तो ठीक है, सारा यही विचार है। इन प्रकार ही आज भी आधी ने तो छोड़ दियो और वो ग्राह पकड़े हो पर छोड़ो नहीं, वो खींची भूख आखिरी के मैं सूंद थोड़ो सो बार बचो जब पिछले जन्म की याद आ गई, और जो ही याद आते ही एक कमल तोड़ और भी परमात्मा ने याद करोगी प्रभु बचाओ तो आज बचाओ, और फिर तो
सब गयो, और इतो याद करते ही मैं परमात्मा सीधा ही दौड़ा। गुरुड़ जी तो धीरे धीरे चलाया, आज गुरुड़ जी ने कह तू रुक भाई, तेरे जानो जने जा, और पैदल ही दौड़ आया और सीधो ही सुदर्शन चक्कर छोड़ो, और छोड़ते ही विग्रह की गर्दन काट दी। क्योंकि पहला ही और विग्रह में ज्योति निकली बाजो भगवान में, पहला ही भगवान विग्रह ने उबार दियो। भूलो भगवान कहे कि जो मेरे भगत का पग पकड़ ले भी ने तो मैं पहला ही तार दे, बाद में भगत ने देखो। और आज बाद में ग्रह ने उबारने के बाद, खत्म करने के बाद भी हाथी ने बाहर निकाले, और वो बड़ो प्रेम करे और परमात्मा ने चिंतन करे, आज भी ने सदगति प्रदान करे। यदि तो कहे भगतों की रखवाली, प्रभु भगतों के रखवाले, अब रखियो मेरी ला। प्रभु भगतों के रखवाले, अब रखो मेरी ला। Thank you.
कोई यानी